Hello everyone, welcome to my channel Cool Crafts by Komal. Thank you for liking my video so much. काफ़ी सारे responses आए हैं मुझे जिन्होंने bread clay बनाया है और बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं. आज मैं आप लोगों को bread clay से कुछ बनाना बताऊँगी. जैसे ये मेरे पास एक प्लास्टिक की प्लेट थी, वो भी थोड़ी डिस्कार्डेड में रखा हुआ था मैंने, बिकॉज वो टूटी हुई थी. अब मैं इसको बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के तौर पे आप लोगों को बता रही हूँ कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे. ये प्लास्टिक की प्लेट को मैंने ब्लैक एक्रिलिक कलर से कवर कर दिया. ये प्लेट पे मैंने ब्रिक स्टेंसिल इफेक्ट दिया है, आप लोग देख सकते हैं ब्रिक स्टेंसिल इफेक्ट. ये मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आप यहाँ अलग अलग तरीके से स्टेंसिल्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं. अब ये जो प्लेट है ये थोड़ी सी भरी हुई दिखेगी ये स्टेंसिल्स के कारण. ये वाले स्टेंसिल्स मैंने आपको बताना सिखाया था कि आप घर पे ही पेपर से कैसे इसको बना सकते हैं. ये एक स्टेंसिल हमने यूज़ किया है, इसके भी वीडियो शेयर हैं, आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा इसका मैंने बनाया कैसे है. अब मैं आपको बताऊँगी ये प्लेट पे हमें आगे करना क्या है. जो क्ले मैंने बनाया था, जो डिफरेंट कलर्स के क्ले थे हमारे पास, जैसे ऑरेंज, पिंक, ये सब क्लेस थे. अब मैं ये क्ले से रोज़ बनाऊंगी. ये मैंने पिंक कलर का क्ले लिया है, इसमें से मैं एक छोटा सा राउंड निकालूंगी. पहले मैं ये राउंड को ऐसे करूंगी, फ्लैट करूंगी. अब देख सकते हैं मैंने इसको फ्लैट किया है. कंप्लीट फ्लैट होने बाद मैं इसको बस टर्न करूंगी ऐसे. ये आप देखिए मेरा फर्स्ट टर्न कंप्लीट है. एक और लूंगी. इसको भी मैंने देखिए थोड़ा सा यहां से उठाया है और यहाँ का पार्ट मैंने थोड़ा सा बेंडेड रखा है. इसको अब ये रोज के ये वाले पार्ट पे कवर कर दूंगी. बस आपको ऊपर से प्रेस नहीं करना है, यहाँ से सिर्फ नीचे नीचे से उसको प्रेस करना है और इसको टर्न कर दो. इसके मैं अभी अपोजिट साइड पे लगा रही हूँ. ये इसका मैं एक और आपको तरीका बताती हूँ बनाने का. ये हमने लिया है, इसको ऐसा भी शेप आप दे सकते हो और फिर आप इसको फ्लैटन करिए. देखिए मैंने इसको मोटा नहीं रखा है, आप देख रहे हैं यहाँ से, मैंने इसको पतला ही रखा है. ये आमने सामने दो लगाए, अब मैं यहाँ एक थर्ड पेटल लगा रही हूँ और इसको मैं नीचे से थोड़ा सा मैं इसको पतला कर रही हूँ. नॉर्मली अगर आपको बर्ड फॉर्म में चाहिए तो आपके 3 पेटल्स काफ़ी है, बट अगर आपको बड़ा बनाना है तो ये जो थर्ड पेटल आप ऐड करोगे इसके अराउंड आपने पेटल्स ऐड करना स्टार्ट करना है. एक तो ये हो गया मैंने जो आपको पैटर्न बताया था. एक पैटर्न आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे रखिए आपके क्ले को और अब आप इसको फ्लैटन कर लीजिए. इस या ऐसे डायरेक्शन में फ्लैट होगा ये. अब मैं इसको स्टिक कर रही हूँ. देखिए ये जो मेरा थर्ड पेटल था इसके कंटिन्यूएशन में ही मैं इसको स्टिक कर रही हूँ.
ये किया है, अब इसके कंटिन्यूएशन में एक और लगाया है मैंने पेटल। अब मेरा होगा लास्ट एक पेटल और लगेगा, क्योंकि जितना मुझे इसको शेप देना है मेरा लास्ट एक पेटल में हो जाएगा। आपको जितना बड़ा बनाना है डिपेंड्स, आपको वैसे वैसे पेटल्स ऐड करनी होंगी। आप प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा, जैसे मैं अभी इसको ले रही हूँ आपको सेम ऐसे करना आ जाएगा। ये मेरा रोज रेडी है। अब मेरे को ये नीचे वाला जो पार्ट है मेरा, ये मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है, मैं इसको टर्न करके ये थोड़ा सा पार्ट निकाल दूंगी। ये बन गया मेरा रोज। अब मैं आपको बताती हूँ लीव्स कैसे बनानी है। अब मैंने पेटल के लिए ग्रीन क्ले का बड लिया है, इसको मैंने ऐसे किया है। अब बस इसको आपने प्रेस करते हुए जाना है। एक स्केल ली है, स्केल से मुझे ये मेरा पेटल रेडी हो गया। एक और मैं आपको बता देती हूँ, क्ले लिया है, राउंड करके बट फॉर्म में किया है उसको। उसके बाद स्केल से मार्किंग्स करनी है। ये हमारे पेटल्स रेडी हैं। ये मैंने फ्लावर्स बना लिए हैं अलग अलग कलर्स के। अब मैं बता रही हूँ मैं इनको स्टिक कैसे करूँगी। मैंने आपको बताया था ये प्लेट मेरी यहाँ से टूटी हुई है, तो पहले मैं ये एरिया कवर करूँगी अपना। लीव्स को उसके ऊपर रखकर मैं ऐसे स्टिक कर रही हूँ ताकि लीव्स उस पर स्टिक हो जाए। ये जो जितना ग्लू मेरा बाहर है ये सब ड्राई होने के बाद दिखेगा नहीं। मैंने ये फ्लावर्स से देखो प्लेट में कवरिंग करी है, हाफ ही पार्ट किया है, सो दैट ये जो मेरा एरिया है यहाँ मैं कुछ मैसेज ले सकती हूँ, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, या अगर होम स्वीट होम ऐसे कुछ भी लिख कर, एंड आई कैन हैंग देम ऑन दी वॉल। अब ये मेरे पास कुछ पर्ल्स हैं, आई थिंक थोड़ी एम्ब्लिशमेंट्स ऐड कर सकते हैं इसमें, सो आई विल बी एडिंग एम्ब्लिशमेंट्स ऑफ पर्ल्स कहीं कहीं। ये मेरी प्लेट रेडी है, आप देख सकते हैं मैंने बटरफ्लाइज लगाई हैं और ये ब्यूटीफुल प्लेट माउंट करने के लिए रेडी है। होप यू ऑल लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग इट।